नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी, आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों, हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन धार्मिक आंदोलन, उसका पार्ट टू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट हमारा जो हो चुका था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसमें मैंने आपको बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, क्या क्या बौद्ध धर्म में क्या क्या मान्यताएं थी, बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ हुई हैं, कितनी हुई हैं, कौन कौन से बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध के समकालीन कौन कौन से व्यक्ति थे, और जो बुद्ध धर्म के जो साहित्य हैं उनकी क्या क्या महत्व रहा है, क्या क्या चीज़ें उनके लिए हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस रखती है, ये सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। वो आपका पार्ट वन था। आज मैं बौद्ध धर्म की शाखाएँ, हमारा बौद्ध धर्म ही चल रहा था, आज मैं उसका पार्ट टू लेकर आई हूँ। मैंने ऊपर लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हों। अगर आपको पिछली वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लेकिन अगर आपको मेरी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म की शाखाएँ। अब देखिए, हमने बौद्ध धर्म अपना लगभग कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब भगवान बुद्ध थे, उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी, जिसे हमने क्या नाम दिया था बताइए, मैंने उस मृत्यु को क्या नाम दिया था? तो हमने उस जो उनकी मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण नाम दिया था। तो जो बौद्ध धर्म की शाखाएँ हैं वो कितनी हैं, आज हम वो देखते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है दोस्तों, ये समय समय पर परिवर्तित होता गया है। इसकी आगे जाके दो शाखाएं बट गई, दो शाखाओं के अंतर्गत अनेक संप्रदाय बट गए, दोनों की अलग अलग मान्यताएं हो गई। तो ऐसा क्या हो गया था, तो चलिए पढ़ते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ध्यान से सुनते रहिए। भगवान बौद्ध के निर्माण के 100वें वर्ष बाद बौद्ध में मतभेद उभर कर सामने आया। जो बौद्ध धर्म था उसमें बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया था, जब भगवान जो बुद्ध थे उनकी मृत्यु हो गई थी उसके 100 वर्ष बाद। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में यह मतभेद हुआ, कि यह मतभेद होने लगा, भाई हम तो तुम तो अपनी अपनी चला रहे हो, पाली भाषा में ही बोल रहे हो, संस्कृत को भी समावेश करो। तो दोनों के अलग अलग क्या हो गए थे, थॉट्स हो गए थे, दोनों के जो विचार थे आपस में टकराव खाने लगे थे। जब दो लोगों के आपस में टकराव खाते हैं तो क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। तो उसी तरह भी ऐसा ही कुछ कारनामा हुआ था। और चतुर्थ संगति में, जब चतुर्थ संगति किसके काल में थी, कनिष्क के काल में थी, मैंने आपको जो बौद्ध संगति हुई थी उन्हें एक ट्रिक के माध्यम से समझाया था, अगर आपको वो ट्रिक याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कि दो अलग अलग मतभेदों में बांट दिया गया था। और जो वो दो अलग भाग बटे थे बुद्ध के, वो क्या कहलाए थे दोस्तों, एक कहलाया हीनयान और दूसरा कहलाया था महायान। जो दोस्तों हीनयान है उसे थेरवाद संप्रदाय भी कहते हैं, और दूसरा था महायान। अब जो ये हीनयान था, हीनयान क्या करते थे, ये बुद्ध के मानव रूप की रक्षा करते थे, जो बुद्ध का मानव रूप है उसकी रक्षा करते थे, कि जो बुद्ध हैं वही सब कुछ हैं, ठीक है, वो एक महापुरुष हैं। और निम्नवर्ग था, मतलब इसमें कम ही लोग थे। और जो महायान था एक विस्तृत बन गया था, बुद्ध की मूर्तियों की प्रतिष्ठा, ये क्या करते थे कि जो बुद्ध भगवान है उन्हें भगवान का दर्जा दो, वो महापुरुष नहीं है, उन्हें भगवान बनाइए, उनकी मूर्ति पूजा का समर्थन किया इन्होंने। देखिए दोस्तों, महायान का अर्थ होता है महा, मतलब हो गया श्रेष्ठ, जैसे महान पढ़ा होगा, और यान का मतलब होता है मार्ग। तो जो श्रेष्ठ मार्ग दिखाने वाले थे उन्हें नाम दिया गया था महायान। तो दोनों में आपको एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि दोनों में क्या क्या चीज़ें थी। अब चलिए पढ़ते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हीनयान व महायान में अंतर, जो हीनयान है पहले वह देखते हैं, फिर महायान भी इसके साथ साथ देखते चलेंगे। हीनयान सबसे प्राचीन था, मैंने आपको बताया था, इसमें जो प्राचीन लोग थे वो जुड़े हुए थे। यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में उभर कर आया। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चौथी बौद्ध संगति हुई थी, किसके काल में हुई थी, कनिष्क के काल में हुई थी, अभी मैं ऊपर पढ़ा के आई हूँ। तो ये इस समय उभरा था। ये कैसी थी, पाली भाषा में था। भाई जब भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे बच्चों, तो कौन सी भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। लेकिन जो ये महायान संप्रदाय था ये संस्कृत भाषा में बन गया था।
देखिए कितने चेंजेस आने लगे थे टाइम के साथ, ठीक है। तो इस मतलब ये छोटे छोटे ये माइनर चीज़ें हैं जो कि आपस में उनके लिए टकराव पैदा कर रही थी। उसके बाद आता है हीनयान, एक व्यक्तिवादी धर्म था। मतलब एक व्यक्तिवादी धर्म का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करना है, निर्वाण मतलब निर्वाण हमने किसे कहा है, मृत्यु प्राप्त करनी है, तो वो क्या करेगा, समाधि लगाएगा। तो उसके लिए व्यक्तिवादी है, वो खुद ही ये काम कर सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि कोई और समाधि लगाए और मेरी मृत्यु हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए व्यक्तिवादी धर्म इसे कहते हैं दोस्तों, मैं आपको समझा रही हूँ। इसके बाद आता है महायान, नवीनतावादी था। नवीनतावादी का मतलब हो गया कि अगर आपको निर्वाण के मार्ग पे जाना है तो आपको बौद्ध जी हैं, जो सिद्धार्थ जी हैं, उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा, तभी जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते हैं। तो इनके ऐसे विचार थे। अब देखिए, इस शाखा के, हीनयान शाखा के जो लोग थे, वो बौद्ध धर्म को जो कहते वो बनाए रखना चाहते थे। वो कहते थे कि इसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वह ऐसे का ऐसा ही इसे अपनाना चाहते थे। और जबकि जो ये महायान लोग थे, यह लोग नए नए परिवर्तन लाना चाहते थे। वो तो ला ही रहे थे भाई, पहले पाली भाषा में था, अब संस्कृत में आ गया। पहले महापुरुष के रूप में पूजा जाता था, अब भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। तो देखिए कितने अंतर आ रहे हैं, ठीक है। मनुष्य की जो सोच है वो निरंतर बदलती रहती है दोस्तों, तो वही चीज़ हम प्राचीन समय से देखते आ रहे हैं। अब देखिए, हीनयान लोग बुद्ध को भगवान के रूप में न मानकर महापुरुष के रूप में पूजते थे, मैंने अभी बताया है। और ये भगवान के रूप में पूजते थे और मूर्ति पूजन का भी शुरू कर दिया था कि जो ये हैं भाई, ये हमारे भगवान हैं, इनकी हम पूजा करेंगे। आज भी तो हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो इसी तरह महायान भी करने लगे थे। हीनयान शाखा का विस्तार, जो हीनयान शाखा थी वो कहाँ कहाँ फैल गई थी, श्रीलंका, बर्मा आदि तक फैल गई थी, वियतनाम वगैरह में। और जो ये महायान शाखा थी, ये देखिए कितनी विस्तृत हो गई थी, ये भारत से आरंभ होकर चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, सिंगापुर तक फैल गई थी। मतलब ये इतनी विस्तृत बन गई थी कि ये इतने शहरों में फैल गई थी। अब देखिए, जो हीनयान था, इसका आदर्श क्या था, आत्मदीपो भव, मतलब अपनी आत्मा से ही सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो इनका आदर्श था, महायान वालों का जो आदर्श था बच्चों, वो क्या था, बोधिस्तु। इसका क्या मतलब है, गुणों का स्थानांतरण। मतलब कि अगर आपको निर्वाण वगैरह लेना है तो आपको भगवान बुद्ध का सहारा लेना पड़ेगा, दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। तो स्थानांतरण का मतलब होता है अग्रसर करना, आगे की ओर बढ़ना। इतना क्लियर हुआ बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीनयान पाली भाषा में लिखे त्रिपिटकों का पालन करने पर बल दिया। जो हीनयान था वो त्रिपिटकों पर बल देता था। त्रिपिटक कौन कौन से बताए हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बताए थे, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। दोस्तों अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं फिर से कह रही हूँ, पहले वो वाली वीडियो देखिए, तभी चीज़ें समझ में आएगी, वरना आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। कितनी ही कोशिश कर लीजिए, कुछ समझ नहीं आएगा। इसके बाद ये क्या करते थे, पुनर्जन्म निर्वाण प्राप्ति के बाद नहीं होता। इनका मानना था कि अगर हम निर्वाण प्राप्ति कर लेते हैं, हम अपनी मृत्यु मतलब निर्वाण समाधि लगाकर खुद ले लेते हैं, तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है। और जबकि ये क्या कहते थे कि पुनर्जन्म होता है, भगवान बुद्ध का भी पुनर्जन्म होता आएगा, ये ऐसा मानते थे। तो मुझे दोस्तों एक बात सोचिए आप, क्या जिस सपने को लेकर महात्मा बुद्ध ने, मतलब जो ये बौद्ध धर्म, जो ये आंदोलन चलाए थे, क्या वो संपूर्ण हो रहा था, नहीं, क्योंकि फिर से ये आडंबर शुरू हो गए थे। जो क्या हो गया था, मूर्ति पूजा बनाने लगे थे, मूर्ति पूजा होने लगी थी, जो संस्कृत में ही सब चीज़ें शुरू हो गई थी, अनेक अनेक तरह के धार्मिक प्रचंड होने लगे थे। तो जो इसका अस्तित्व था दोस्तों, वो अब खोता जा रहा था। आप ज़रा सोचिए कि हम जो उत्तर वैदिक काल में पढ़ रहे थे, वो दोबारा पलट कर आ रहा था। तो क्या इस आंदोलन का वास्तविक रूप हमारे सामने आया, तो कुछ समय के लिए आया, लेकिन उसके बाद पुनः वैसा होता चला गया, क्योंकि आपस में ही टकराव होने शुरू हो गए थे। जब तक एकजुटता नहीं होती है, तब तक कोई चीज़ पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमें अपने अंदर एकता लानी पड़ती है, राष्ट्र एकता लानी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महायान संप्रदाय के अंतर्गत संप्रदाय, जो महायान संप्रदाय थे जो हमने अभी पढ़े हैं, इसके अंतर्गत भी अनेकों संप्रदाय थे। तो ये संप्रदाय कौन से थे, एक तो माध्यमिक और शून्यवाद।
इस मत का प्रवर्तन नागार्जुन ने किया था। अब पूछ लेता है आपसे कि शून्यवाद किसने चलाया था, तो ये नागार्जुन जी ने चलाया था। इसकी इनकी जो रचना है वो कौन सी है, माध्यमिका कारिका। नाम इनका याद रखेंगे क्योंकि इसकी रचना पूछ ली जाती है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आता है नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव, शांति रक्षित आदि संप्रदाय के प्रमुख भिक्षु थे। ये सब इसी संप्रदाय के अंतर्गत आ देते हैं। मैंने इनका नाम लिख दिया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये दो चीज़ें याद रखेंगे। अब देखिए विज्ञानवाद, योगाचार, ये हम संप्रदाय पढ़ रहे हैं महायान शाखा के, तो इसमें एक आता है विज्ञानवाद। इसमें क्या हुआ था, मैत्रेय ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने की थी, मैत्रेय ने की थी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी, तो ये चीज़ आप याद रखेगा। इसके बाद आता है व्रजयान संप्रदाय। व्रजयान संप्रदाय का क्या हुआ था, इसका जो आविर्भाव हुआ था वो हुआ था हर्षोत्तर काल। हर्षोत्तर काल क्या कहते हैं बच्चे, जब हमारा वर्धन वंश आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे, उत्तर जहाँ भी लग जाता है उसके बाद का समय होता है, मतलब वर्धन वंश के बाद जो का जो समय आया उसे हम कह देते हैं उत्तर काल, ठीक है। तो इस समय इसकी क्या हुई थी, आविर्भाव हुआ था, ये प्रचंड मतलब ये हमारे सामने आया था। इसमें क्या था, जादू टोना झाड़ फूक भूत प्रेत दानवों और देवताओं की पूजा बौद्ध धर्म के अंग बन गए थे, इसमें अलग अलग अंग बना दिए गए थे। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैचिंग के लिए आ जाता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा जो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, महात्मा बुद्ध के जीवन से कौन कौन सी घटनाएं जुड़ी हुई थी वो हम देखते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं जन्म, इनका जो जन्म है उसके लिए एक प्रतीक चिन्ह बना दिया है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, कमलिया सांड, इससे बना दिया गया है। जहाँ भी कमलिया सांड दिखे आपको बौद्ध धर्म में, मतलब ये जन्म से रिलेटेड कर रहा है। इसके बाद जब वो गर्भ में आए उसका किससे लिया गया, हाथी से लिया गया। हाथी क्यों लिया गया, क्योंकि हाथी क्या है, एक बलशाली पशु है और बहुत ही बुद्धिमानी पशु है, तो इससे लिया गया। समृद्धि का किससे लिया गया है, शेर से लिया गया है। ग्रह त्याग अश्व, ऐसे याद रखिए जब वो ग्रह त्याग करने गए तो किस पे बैठ कर गए, अश्व पे बैठ के गए, घोड़े पर बैठ के गए। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो किससे लिया गया, बोधि वृक्ष से, क्योंकि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, वृक्ष के नीचे ही तो हुआ था, पीपल के वृक्ष के, तो इसलिए इसे ही उनका प्रतीक चिन्ह बना दिया। बच्चों देखिए जितना आप लिंक करके याद करेंगे आपके लिए ही बेटर होगा, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को लिंक नहीं करेंगे तो आपके कुछ समय के लिए याद हो जाएंगी लेकिन कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे, तो चीज़ों को लिंक करके याद कीजिए। इसके बाद जो उन्होंने निर्वाण लिया था, निर्वाण मतलब क्या होता है, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसे क्या दिया गया है, उसे किससे डिनोट किया गया है, तो उनके पद चिन्हों से, पैरों के जो निशान थे। इसके बाद जो उनकी मृत्यु थी, मृत्यु किससे की गई है, स्तूप से की गई है। अब ये स्तूप क्या होता था, ऐसा गुम्बदनुमा बना देते, और जो ये स्तूप था बच्चों इसके अंदर ना भगवान बुद्ध के जो अंग थे, जैसे बचे हुए दांत हो गए, दांत के अवशेष हो गए, वो रख दिए जाते थे। तो जो मृत्यु है उसे किससे लिया गया है, स्तूप से लिया गया है। निर्वाण जो समाधि थी, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद करते हुए चलना है। तो अब तक हमारा बौद्ध धर्म हमने कंप्लीट किया है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन बच्चों आगे बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमने टॉपिक में नहीं पढ़ाया है, जो हमारा बच गया है वो हम वन लाइनर के रूप में याद करते चलेंगे, आप अच्छे से देखिएगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, जो चीज़ें आपको याद रखनी है, और यहाँ से देखिए अब से मेरे हर एक क्वेश्चन में, अब से मेरे हर एक लाइन में आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय कश्यप मातंग नामक एक भिक्षु को दिया जाता है। भाई जो चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था वो किसने किया था, ऑप्शन दे दिया आपको 4-5, तो क्या लगा के आएंगे, कश्यप मातंग जी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आता है आर्य मंजुश्री मूलकल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। गुप्त सम्राटों का वर्णन बौद्ध दृष्टिकोण से किस मूलकल्प में मिलता है, तो किस में मिलता है, आर्य मंजुश्री में मिलता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। कितने, 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। 16 महाजनपद हम आगे पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, तो ठीक है।
तो इसमें अंगुत्तर निकाय में वर्णन किया गया है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है, पद्म संभव को जाता है। तिब्बत में तो पद्म संभव को चला गया और चीन में किसे गया था, मातंग जी को गया था। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद करते हुए चलना है। इसके बाद आता है बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रचार के लिए लोगों को शिक्षित करना जरूरी था, उनकी विद्याओं से शिक्षित करना जरूरी था, क्योंकि जब तक हम उस आप किसी भी मतलब आप कोई भी सत्संग लेते हैं, अपने ऊपर एक एग्जांपल लेके देखिए, आप कोई भी सत्संग लेते हैं सबसे पहले आप उसकी शिक्षाओं को देखेंगे, आप देखेंगे इस सत्संग में क्या क्या प्रक्रिया होते हैं, क्या क्या शिक्षाएँ देते हैं, तभी तो आप उसे लेंगे, ऐसे ही तो नहीं लेंगे। तो ऐसे ही बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, कहाँ दी जाती थी, नालंदा विक्रमशिला औदन्तपुरी है इसके मुख्य केंद्र, तो इसमें क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। तो ये आप याद रखेंगे कहाँ कहाँ थे। आपको अगर तीन दे दिए, एक एक्स्ट्रा दे दिया कि इनमें से जो बौद्ध मतलब शिक्षा का केंद्र था वो कौन सा नहीं था, तो आपको नाम तीनों याद होने जरूरी है। हिनशांग के भारत भ्रमण के दौरान नालंदा विहार का प्रमुख कौन थे, शीलभद्र था। जब हिनशांग भारत में आए थे, भारत भ्रमण के लिए आए थे, तो उस समय जो नालंदा विहार बना था बौद्ध शिक्षा का जो एक केंद्र था, उसका प्रमुख कौन थे, उसके प्रमुख थे दोस्तों शीलभद्र। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सुत विभंग नामक बुद्ध ग्रंथ में अपराधों की सूची व उनके प्रायश्चित का वर्णन है, मतलब जो सुत विभंग था उसमें क्या दिया गया है, जो बौद्ध धर्म में क्या क्या अपराध हुए हैं और उनका प्रायश्चित लोगों ने कैसे किया है, उसकी पूरी सूची दी गई है किसमें, सुत्त विभंग में। सबसे पहले बुद्ध प्रतिमा का निर्माण मथुरा शैली में किया गया था। मथुरा अलग अलग शैलियाँ होती हैं बच्चों, मूर्तियाँ बनाने की, मंदिर बनाने की अलग अलग शैलियाँ होती है, जैसे नागर शैली और आपका बेसल द्रविड़, तो ऐसे ही मूर्ति कला में भी अलग अलग होती है। तो कौन सी थी, मथुरा कला शैली में इसका वर्णन किया गया। धम्मपद को बुद्ध की गीता कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे बुद्ध की गीता कहा जाता है, तो धम्मपद को बुद्ध की गीता कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के चार दर्शों की कथा महापदानुसूत में वर्णित है। चार दर्श कौन से थे, मैंने आपको पहली वीडियो में बताए थे, अगर आपको याद है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जब वो महल से बाहर अपने जो रथकार था उनके साथ जब जा रहे थे वो, तो उन्होंने चार दर्श देखे थे, उन चार दर्शों का मैंने आपको बहुत अच्छे से विस्तार से बताया था, आपको अगर याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आज हमने इतना कंप्लीट कर लिया है, हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया है, कल हम जैन धर्म स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको बौद्ध धर्म में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।